सिर्फ डीएससीपी सर्वर डिप्लॉय करना ही इनफ नहीं होता है मान लीजिए कि आपकी कंपनी के लैन में आपके पास मल्टीपल सबनेट है ऐसे में डीएससीपी सर्वर लोकल सबनेट के अलावा दूसरे सबनेट में आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड नहीं कर सकता है क्योंकि डीएससीपी सर्वर ब्रॉडकास्ट में प्रोटोकॉल है और राउटर कभी भी ब्रॉडकास्ट पैकेट को फॉरवर्ड नहीं करते हैं ऐसे में आपके दूसरे सबनेट्स के डीएससीबी क्लाइंट्स को आईपी एड्रेस नहीं मिल पाएगा ऐसे सिनेरियो के लिए आपको डीएससीपी कॉन्फ़िगर करना होगा जो डीएससीपी क्लाइंट्स की ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट को डीएससीपी सर्वर तक रिले कर पाए और रिले एजेंट की हेल्प से डीएससीबी क्लाइंट्स को डीएससीपी सर्वर से आईपी मिल पाए डीएससीबी रिले एजेंट डीएससीपी मैसेजेस को डीएससीपी सर्वर और डीएससीपी क्लाइंट्स जो डिफरेंट नेटवर्क में है उनके बीच में रिले कर सकता है जब डीएससीपी रिले एजेंट कोई भी डीएससीपी ब्रॉडकास्ट मैसेज को इंटरफेस पर रिसीव करता है तब उसे दूसरे नेटवर्क के स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे फॉरवर्ड कर देता है अगर कोई भी नेटवर्क सेगमेंट में डीएससीपी क्लाइंट्स है तो वहाँ पर आपको एटलीस्ट एक डीएससीपी सर्वर या फिर डीएससीपी रिले एजेंट डिप्लॉय करना होगा आप राउटर को भी डीएससीपी रिलेन्ट कन्वे कर सकते हो पर इस डेमो के लिए हम विंडोज सेवन टू थाउजेंड सिक्सटीन को ही एज ए डी एस सी पी यूज करना चाहते हैं सो so, सबसे पहले हम हमारा लैब सिनारियो समझ लेते हैं जहां पर हमारे पास है नेटवर्क ए जिसका आईपी एड्रेसिंग रेंज जो है वो है दूसरा जो सबनेट हमारे पास है जिसे हमने नाम दिया है नेटवर्क बी जिसका आईपी नेटवर्क रेंज है नेटवर्क ए में भी हमारे पास क्लाइंट है जो डीएससीपी सर्वर के सेम सबनेट में है जिसे डीएससीपी सर्वर से डायरेक्टली आईपी एड्रेस मिल सकता है और नेटवर्क बी में भी हमारे पास डीएससीपी क्लाइंट्स है जिसके लिए हमें डीएससीबी रिलेजेंट कॉन्फ़िगर करना है जिससे डीएससीपी सर्वर से उनको भी आईपी मिल सके अगर डीएससीपी क्लाइंट जो नेटवर्क बी में है वो डीएससीपी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट आएगी राउटर के पास और राउटर उस ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा सो ऐसे में हमें डिप्लॉय करना होगा डीएससीपी रिलेजेंट और जिसकी हेल्प से दूसरे सबनेट के डीएससीपी क्लाइंट्स को आईपी मिल सके अगर आपने डीएसपी रिलेशन कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो दूसरे सबनेट्स के जो डीएससीपी क्लाइंट्स है उसे आईपी एड्रेस किस तरह से मिल सकता है वो समझ लेते हैं जब डीएससीपी क्लाइंट आईपी एड्रेसिंग के लिए डीएससीपी डिस्कवर पैकेट्स का ब्रॉडकास्ट करेंगे वो पैकेट रिसीव होगा राउटर के ऊपर अगर राउटर में आपने डीएसपी रिलेशन कन्फिगर किया हुआ है और वहां पर आपने स्पेसिफाई किया है कि इस पैकेट को पर्टिकुलर इस आईपी एड्रेस जहां पर आपने स्पेसिफाई किया होगा डीएससीपी सबक आईपी एड्रेस वहां पर फॉरवर्ड करना है तो राउटर उस पैकेट को अब फॉरवर्ड करेगा डीएससीपी सर्वर के पास और जो कम्युनिकेशन होगा डीएससीपी सर्वर और रिले एजेंट के बीच में वो यूनिकास्ट होगा ना कि ब्रॉडकास्ट क्योंकि राउटर के पास भी आईपी एड्रेस है और डीएससीपी सर्वर के पास भी आईपी एड्रेस है यानी कि वो दोनों जो कम्युनिकेशन है वो यूनिकास्ट बेस करेंगे यानी कि डीएससीपी सर्वर भी समझ जाएगा ये जो डिस्कवर पैकेट आया है वो रिले एजेंट ने सेंड किया है अब सर्वर उस डिस्कवर पैकेज का आंसर देगा और वहां पर सेंड करेगा ऑफर पैकेट अब जो ऑफर पैकेट आया है वो डीएससीपी रिलेजन के पास आएगा जो कम्युनिकेशन हो रहा है यूनिकर्स कम्युनिकेशन अब DHCP रिलेजन उस पैकेट को नेटवर्क बी में ब्रॉडकास्ट कर देगा जिससे वो पैकेट DHCP क्लाइंट को मिल पाएगा अब क्लाइंट के पास डीएससीपी सर्वर से जो ऑफर पैकेट है वो रिसीव हो चुका है अब क्लाइंट उस पैकेट के बेस पे वहां पर रिक्वेस्ट सेंड करेगा सिम वो पैकेट आएगा डीएससीपी रिलेजेंट के पास रिलेजेंट उसे फॉरवर्ड करेगा सर्वर के पास सर्वर वहां से वो आईपी एड्रेस का एक्नोलॉज देगा और ऑफिशियली वो आईपी उस क्लाइंट कंप्यूटर को असाइन करेगा और वो पैकेट डीएससीपी रिलेजेंट अब फॉरवर्ड करेगा डीएससीपी क्लाइंट जो दूसरे सबनेट है वहां पर और ये जो एक्नोलॉजमेंट पैकेट होगा वो भी ब्रॉडकास्ट होगा और इस तरह से दूसरे सबनेट के जो आपके डीएससीपी क्लाइंट्स है उनको आईपी एड्रेस मिल सकता है सो so, ये हम प्रैक्टिकली यहां पे देखना चाहते हैं कि किस तरह से हम डीएससीपी रिलीजन कंफिगर कर सकते हैं सबसे पहले हम चलते हैं हमारे डीएससीपी सर्वर के पास ये है हमारा डीएससीपी सर्वर जिसका नाम है सर्वर जीरो पर ऑलरेडी हमने एक पोल क्रिएट किया हुआ है जो है नेटवर्क ए के लिए यहां पर हमें दूसरा डीएससीपी स्कोप बनाना होगा नेटवर्क बी के लिए यहां पर मैं स्पेसिफाई कर देता हूं स्कोप टू फॉर

Options को भी करना चाहते हैं इसलिए फर्स्ट बॉक्स से हम सिलेक्टेड रखते हैं और क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे पे अब आपको स्पेसिफाई करना है राउटर का आईपी एड्रेस जो हमारे केस में इंटरफेस होगा हमारे दूसरे स्कोप के लिए अगर आप नेटवर्क ए के लिए गेटवे स्पेसिफाई करेंगे तो ये गेटवे यूज होगा और अगर आप नेटवर्क बी के लिए गेटवे स्पेसिफाई करते हैं तो ये आईपी एड्रेस यूज होगा सो so, हम यहां पे स्पेसिफाई करते हैं क्लिक करते हैं पे और क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे हम कोई विज सर्वर यूज नहीं कर रहे इसलिए सिंपली क्लिक कर रहे नेक्स्ट पे और हम इस स्कोप को एक्टिवेट करना चाहते हैं क्लिक करते हैं नेक्स्ट और फिनिश पे यहां पर जो हमारा दूसरा स्कोप है है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। जिसका रेंज हमने दिया है टू डॉट टेन टू टू डॉट फाइव फोर अब हम चलते हैं हमारे रिलेशन राउटर के ऊपर जिसे हम यूज करना चाहते हैं इस सर्वर को हम यूज करना चाहते हैं एज अ टीसीपी रिलेशन सबसे पहले मैं यहां पर क्लिक करता हूं एट रोल एंड फीचर्स के ऊपर क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे सिलेक्ट रखता हूं रोल बेस ऑफिशियल बेस इंस्टॉलेशन और क्लिक करता हूं नेक्स्ट पे यहां से सर्वर टू ही हम सिलेक्ट रखते हैं अगर यहां पर आप आईपी एड्रेस देखे तो वह नाइनटी टू वन सिक्स वन और वन नाइनटी टू वन टू डॉट वन क्योंकि इस सर्वर के ऊपर हमने टोटल दो लैंड कार्ड अटैच किए हुए हैं अगर हम चेक करें आईपी एड्रेस नेटवर्क ए का तो आपको यहां से देखने मिलेगा आईपी वर्जन एड्रेस जो है और अगर हम स्टेटस चेक करें नेटवर्क बी के लिए क्लिक करें डिटेल पे तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो आईपी एड्रेस हमने स्पेसिफाई किया हुआ है वो है वन क्लिक करते हैं क्लोज पे और इसे भी मैं क्लोज कर देता हूं क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे अब आपको सिलेक्ट सर्वर रूल से आपको यहां पर सिलेक्ट करना है रिमोट एक्सेस क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे ते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे और यहां से मैं सिलेक्ट कर रहा हूं राउटिंग क्लिक करते हैं फीचर पे जैसे आप देख रहे हैं कि जो डायरेक्ट एक्सेस और वीपीएन फीचर है वो भी साथ में सिलेक्ट हो रहा है क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट नेक्स्ट और क्लिक करना है इंस्टॉल बटन पे ओके तो जब तक इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब तक हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं हमारे सब जीरो वन का यहां पे मैं ओपन कर लेता हूं कमांड प्रॉम्प्ट और कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं कमांड टाइप करता हूँ जैसे आप यहाँ पे देख रहे डिफॉल्ट गेटवे हम यूज कर रहे है है आईपी एड्रेस है हमारे राउटर के नेटवर्क ए इंटरफेस का डीएनएस सर्वर इसी सर्वर के ऊपर इंस्टॉल है इसलिए हम जो आईपी यूज कर रहे है वो है 192.168.1.5 इसी सर्वर का आईपी एड्रेस अब हम चेक करते हैं क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर हम नेटवर्क कनेक्शन कंसोल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हैं इथरनेट इथरनेटेप्टर की पर कर सिलेक्ट करता इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन क्लिक करते हैं प्रॉपर्टीज पे और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर हमने सेट किया है टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली ऑप्शन सेम टीएनएस के लिए क्लिक करते हैं ओके पे और क्लिक करता हूँ क्लोज पे हम इस लैंड एडेप्टर को अनेबल कर देते हैं और चेक करते हैं कि क् क्या टीएससीपी सर्वर से इस क्लाइंट को आईपी एड्रेस मिल सकता है या नहीं थोड़ी देर वेट करने के बाद हम स्टेटस चेक कर देख सकते हैं कि जो क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी मिला है वो है वन सिक्स नाइन टू फाइव फोर वन थ्री थ्री सेवन फोर ये जो आईपी एड्रेस है वो अपीपा आईपी एड्रेस है और ये इसलिए यहां पर दिखा रहा है कि क्लाइंट कंप्यूटर डीएससीपी सर्वर का कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा है और इसलिए डीएससीपी सर्वर से इस क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी एड्रेस नहीं मिल पा रहा है सो so, जब तक हम डीएससीपी की रिलेशन कंफिगर नहीं कर लेते तब तक इस क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी एड्रेस नहीं मिल पाएगा क्लोज कर देता हूं इसे और लैन एडविटर को मैं वापस डिसेबल कर देता हूं वापस चलते हैं हम हमारे सर्वर जीरो टू के ऊपर जहां पर हम रिमोट एक्सेस रोल इंस्टॉल कर रहे थे ओके रिमोट एक्सेस सर्वर रोल सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है अब मैं क्लिक करता हूं ओपन द गेटिंग स्टार्टेड रिसोर्ट के ऊपर ओके okay, यहां से हम सिलेक्ट करते हैं डिप्लॉय वीपीएन ओनली यहां पर आपको सिलेक्ट करना है आपका सर्वर जो हमारे केस में है सर्वर जीरो टू राइट क्लिक करता हूं उस पे और यहां से सिलेक्ट करता हूं कन्फिगर एंड अनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे यहां से मैं सिलेक्ट करता हूं कस्टम कन्फिग्रेशन और क्लिक करता हूं नेक्स्ट पे यहां पर हम सिलेक्ट करते हैं लैंड राउटिंग क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे और क्लिक करता हूं फिनिश पे सर्विस स्टार्ट करने के लिए मैं क्लिक करता हूं स्टार्ट सर्विस पे जैसे राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस स्टार्ट हो जाती है एक्सपांड करता हूं सवर जीरो टू को यहां पर एक्सपांड करता हूं आईपी वर्जन फोर को और राइट right क्लिक करता हूं जनरल के ऊपर जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि हमारे दोनों एडेप्टर यहां पर दिख रहे हैं नेटवर्क ए और नेटवर्क बी राइट क्लिक करता हूं जनरल पे और यहां से सिलेक्ट करता हूं न्यू राउटिंग प्रोटोकॉल यहां से आपको सिलेक्ट करना है डीएचसीपी रिलेजन प्रोटोकॉल और क्लिक कीजिए ओके okay बटन पे अब यहां पर आपको डीएचसीपी रिलेजन प्रोटोकॉल का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और सिलेक्ट कीजिए प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम स्पेसिफाई करने के लिए जा रहे हैं कि हमारे डीएससीपी सर्वर का आईपी एड्रेस कौन सा है यानी कि जब राउटर के इस इंटरफेस पे कभी भी डीएससीपी डिस्कोअर पैकेज रिसीव हो तो उसे फॉरवर्ड कहां पर करना है सो हमें वो फॉरवर्ड करना है हमारे डीएससीपी सर्वर के पास जिसका आईपी एड्रेस है वन जो हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना है सो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ आईपी एड्रेस और क्लिक करता हूँ एड पे अगर आपके पास मल्टीपल डीएससीपी सर्वर्स है तो आप यहाँ से मल्टीपल भी स्पेसिफाई कर सकते हैं क्लिक सर्वर को कौन से इंटरफेस पे जब डीएससीपी डिस्कवर पैकेज रिसीव हो तो उसे डीएससीपी सर्वर के पास फॉरवर्ड करना है अगर हम वापस हमारा लैब सीनियर दिखे अगर ये जो क्लाइंट हमारे नेटवर्क में है अगर वो डीएससीपी के लिए रिक्वेस्ट करते तो वो ब्रॉडकास्ट पैकेट भी राउटर पे रिसीव होगा तो ऐसे केस में हम ये नहीं चाहते कि हमारा ये जो इंटरफेस है वो भी डीएससीपी सर्वर को पैकेट रिले करे इसलिए हम सिर्फ जो हमारा दूसरा अडेप्टर है उसी पे ही डीएससीपी रिले सर्विस रन करना चाहते हैं ना कि इस एडेप्टर को क्योंकि यहाँ के जो डीएससीपी क्लाइंट है वो डायरेक्टली डीएससीपी सर्वर का कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इसलिए हम नहीं चाहते कि इस इंटरफेस से कोई भी पैकेट डीएससीपी सर्वर के ऊपर रिले हो सो so, सिर्फ हम ये जो इंटरफेस है हमारा नेटवर्क बी वाला वहां पर डीएससीपी रिलेजेंट सर्विस रन करना चाहते हैं so, सो यहां से मैं राइट क्लिक करता हूं डीएससीपी रिलेजेंट पे और सिलेक्ट करता हूं न्यू इंटरफेस यहां से आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है नेटवर्क बी जिस सबनेट के डीएससीपी क्लाइंट्स के लिए आप रिलेजेंट कॉन्फिगर करना चाहते हैं क्लिक करते हैं ओके पे और यहां पर आपके पास ऑप्शन है जिसे हम डिफॉल्ट ही सिलेक्ट रखते हैं और क्लिक करते हैं ओके पे अब यहाँ पर हमने अनेबल कर दिया नेटवर्क रिलेश के ऊपर यहाँ पर अब तक कोई रिक्वेस्ट रिसीव या डिस्कार्ड नहीं हुई चलते हैं हमारे क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर और यहाँ पर इस एडेप को मैं अब अनेबल कर देता हूँ वापस आते हैं सर्वर जीरो टू पे यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ और जैसे आप यहाँ पर देख रहे कि एक पैकेट यहाँ पर रिसीव हुआ है हम वापस रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर दो पैकेट रिसीव हुए हैं रिफ्रेश करते हैं और जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चार टोटल पैकेट रिसीव हुए हैं यहाँ पर रिप्लाई भी रिसीव हुआ है जो रिप्लाई हमें प्रोवाइड किया है हमारे डीएचसीपी सर्वर ने अब हम क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर जाके चेक करें अगर आईपी एड्रेस आप स्टेटस में देखें तो अब हमें यहाँ पर डिटेल्स के अंदर आईपी एड्रेस मिल रहा है वो आईपी एड्रेस है 192.168.2.10 जो हमें असाइन किया हमारे डीएचसीपी सर्वर 192.168.1.5 ने और यह चेक करने के लिए हम डीएचसीपी सर्वर के ऊपर चले जाते हैं यहाँ पर स्कोप जो हमने क्रिएट किया था नेटो बी के लिए वहां पर मैं क्लिक करता हूं एड्रेस लीज के ऊपर और जैसे आप यहां पर देख रहे कि जो क्लाइंट कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है उसकी इंफॉर्मेशन लीज में आपको यहां पर देखने मिल रही है और सेम आपको यहाँ पर देखने मिलेगा उस क्लाइंट कंप्यूटर का मैक एड्रेस तो इस तरह से हम ऐसे सिनारियो के अंदर डीएससीपी रिले एजेंट की हेल्प से दूसरे सबनेट्स के डीएसएपी क्लाइंट को सर्वर से आईपी एड्रेस असाइन करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर करना होगा आप ऐसे सिनेरियो के लिए सिस्को के राउटर के ऊपर भी डीएससीपी रिलेजेंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसकी हेल्प से भी आप दूसरे सबनेट्स के डीएसएपी क्लाइंट को भी आईपी एड्रेस असाइन करवा सकते हैं डीएसपी सर्विस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक करना ना भूले और मेरे लेटेस्ट यूट्यूब वीडियोस की इन्फॉर्मेशन के लिए एम पी आर टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले